नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नेहा। ये फटाफट अंदाज में देखते हैं देश प्रदेश की 30 बड़ी खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद ए मिलाद उन नबी पर खास मैसेज देकर शुभकामनाएं दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा कि ईद मुबारक मिलाद उन नबी के अवसर पर शुभकामनाएं, सद्भाव और एकजुटता हमेशा बनी रहे, चारों ओर खुशी और समृद्धि हो। वही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शुभकामनाएं पेश की। जनता दल यूनाइटेड ने सोमवार को एक देश एक चुनाव का समर्थन किया और कहा कि इससे नीतियों में निरंतरता बनी रहेगी तथा बार बार चुनाव से होने वाली परेशानियों से भी बचा जा सकेगा। अदानी समूह को महाराष्ट्र में 6600 मेगावाट की नवीकरणीय और तापीय बिजली आपूर्ति का 25 साल का ठेका मिलने के बाद अदानी पावर के शेयर में लगभग 8% की उछाल आई है। समूह की 4.08 रुपये प्रति यूनिट की बोली ने अन्य प्रमुख कंपनियों को पछाड़ दिया। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के कैबिनेट मंत्री बिहार जैसे पिछड़े और गरीब राज्य के अपने विभागों को लूटकर सभी अखबारों में करोड़ों करोड़ के फुल पेज विज्ञापन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने री इन्वेस्ट 2024 सम्मेलन में भारत की ऊर्जा नीति की दिशा स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत सौर, पवन, परमाणु और हाइड्रो पावर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत अगले 1000 वर्षों के लिए ऊर्जा की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हो रहा है। पटना में जदयू के बैठक के दौरान पार्टी के सीनियर नेता और बिहार सरकार के मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वे जदयू का हिस्सा नहीं है, लेकिन बाद में इसे मजाक करार दिया और अफवाहों की ओर इशारा किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में फ्लॉप रहे, जिससे उन्हें व्यापक आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने उनकी कमजोर प्रदर्शन की कड़ी आलोचना की और टीम इंडिया के विराट कोहली की सराहना की है। इस विवाद ने बाबर आजम के करियर पर सवाल उठाए। बिहार में मान्यता प्राप्त डमी स्कूलों के खिलाफ सीबीएसई ने कार्रवाई शुरू की है। शिकायतें मिल रही है कि एक पंजीयन नंबर पर कई शाखाएं संचालित हो रही हैं, जिनमें आधारभूत संरचनाओं और नियमित उपस्थिति की कमी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अब इन स्कूलों पर निगरानी बढ़ाएगा। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोनू भिड़े का किरदार निभाने वाली पलक सिद्धवानी पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का आरोप लगा है। निर्माता कानूनी नोटिस भेजने की तैयारी कर सकते हैं, जबकि पलक ने अपने बयान में इन आरोपों को खारिज किया है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने किसी कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ किया, जिससे राज्यवासियों में खुशी की लहर है। इस ऐतिहासिक अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। नई ट्रेनों के चलते बिहार के रेल कनेक्टिविटी में सुधार होगा। समाजवादी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन करने की घोषणा की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह भाटी ने इस निर्णय की जानकारी दी है। इससे कांग्रेस को हरियाणा में चुनावी समर्थन मिलने की उम्मीद है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। जहां नीतीश कुमार के बाद सीएम का चेहरा कौन होगा, ये सवाल उठ रहा है। वहीं महागठबंधन के तेजस्वी यादव और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच परसेप्शन वॉर छिड़ी हुई है। किशोर ने शराबबंदी खत्म करने का वादा किया है, जबकि आरजेडी तेजस्वी को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। अहमदाबाद और भुज के बीच चलने वाली वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम उद्घाटन से ठीक पहले बदलकर नमो भारत रैपिड रेल रख दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर में इस नई ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी की है कि सितंबर के दूसरे पखवाड़े में उत्तर पश्चिम भारत में तापमान, गर्मी और उमस बढ़ सकती है। ताजा अपडेट के अनुसार 19 सितंबर से इस क्षेत्र में गर्मी का प्रभाव पड़ेगा। मॉनसून के 22 सितंबर तक लौटने की उम्मीद है। पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने केंद्रीय मंत्री रौनित सिंह बिट्टू के राहुल गांधी को आतंकी कहे जाने वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। वडिंग ने बिट्टू को एहसान फरामोश करार देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें 3 बार लोकसभा चुनाव जिताया है और उन्हें ऐसे बयान देने से पहले शर्म आनी चाहिए।
केन्या सरकार ने जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 30 साल के लिए अडानी ग्रुप को लीज पर देने की घोषणा की है, जिससे स्थानीय हंगामा बढ़ गया है। केन्या एविएशन वर्कर्स यूनियन इस सौदे का विरोध कर रही है और इस रद्द करने की मांग की जा रही है। इसी बीच सरकार ने अडानी समूह को पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का बड़ा ठेका भी दिया है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मांग की है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट की आगामी त्योहारी सेल को स्थगित किया जाए। खंडेलवाल का कहना है कि इससे देश के 7 करोड़ खुदरा व्यापारियों को नुकसान होता है। 16 सितंबर को सोने की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 650 रुपये बढ़कर 73,694 रुपये हो गई है। इससे पहले सोने का दाम 73,044 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वंदे भारत ट्रेन लगातार आधुनिक हो रही है और देश के कई राज्यों में चल रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वंदे भारत के 2 और अपडेटेड वर्जन जल्द लॉन्च किए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की टेस्टिंग चल रही है और जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। हालांकि उन्होंने सटीक लॉन्चिंग तारीख की घोषणा नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभालते ही रेलवे सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ के साथ शादी कर ली है। शादी की तस्वीरें अदिति ने अपने सोशल मीडिया पर साझा की है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये शादी तेलंगाना के एक मंदिर में निजी समारोह में हुई है। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने भारत के साथ संबंधों में सुधार की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच की गलतफहमियां सुलझा ली गई है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की सरकार के साथ संबंधों में आई गिरावट के बाद अब स्थिति बेहतर हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को इस्तीफा देने की घोषणा की, जो 2 दिन बाद प्रभावी होगा। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में यह पहली बार हो रहा है कि मौजूदा मुख्यमंत्री बेल पाकर इस्तीफा दे रहे हैं। महाराष्ट्र में ग्लोबल फाइनटेक फेस्ट 2024 के दौरान यूपीआई ने सर्किल फीचर की शुरुआत की है, जिससे अब बिना बैंक अकाउंट लिंक किए भी यूपीआई पेमेंट किया जा सकेगा। इस नए फीचर के तहत एक यूपीआई अकाउंट से कई लोग पेमेंट कर सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स वसूली के लिए नया सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम लागू करने की योजना बनाई है। इसे लागू होने पर वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी और फास्टैग का उपयोग समाप्त हो जाएगा। टाटा मोटर्स ने अपनी नई एसयूवी कर्ब को 9.99 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत 19 लाख रुपए है। ये इंट्रोडक्टरी कीमत 31 अक्टूबर 2024 तक मान्य होगी। 1 नवंबर से कीमतों में संभावित बदलाव भी हो सकते हैं। भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया 19 के खिलाफ 3 वनडे और 2 4-दिवसीय मुकाबले खेलेगी, जिसमें वनडे सीरीज पुडुचेरी और 4-दिवसीय मैच चेन्नई में आयोजित होंगे। बिहार के वैभव सूर्यवंशी को 4-दिवसीय मैचों के लिए भारतीय अंडर टीम में चुना गया है। जम्मू कश्मीर के दूरू में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में मौजूदा सन्नाटा केवल कांग्रेस की सत्ता में आने पर ही समाप्त होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि असली शांति तभी संभव है जब कांग्रेस सरकार में आएगी। एक खगोलीय घटना के तहत एस्ट्रॉयड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश कर गया है, जिससे ऐसा प्रतीत हो सकता है कि आसमान में 2 चांद दिखाई देंगे। 33 फीट लंबा ये एस्ट्रॉयड, जिसका नाम 2024 PT5 है, 29 सितंबर से 25 नवंबर तक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में रहेगा। ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय सेमीकॉम इंडिया 2024 आयोजन का समापन हो गया, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया। इस आयोजन से भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग में निवेश बढ़ने की उम्मीद है और भारत जल्द ही इस क्षेत्र में एक प्रमुख हब बन सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कल जिन लोगों ने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है, उनके नाम है विनोद कुमार, मोहम्मद अरमान, नौशाद रजा, संजीव कुमार, रॉकी आजाद, जितेंद्र ठाकुर, लक्की कुमार सिंह, मोहम्मद साकिर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, सपना कुमारी, रवि शंकर, दीपक कुमार, राम बाबूदास, सिद्धू पासवान, समरजीत कुमार सिंह, मुकेश यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपको अपने शहर या क्षेत्र में सबसे अच्छा क्या लगता है? इसका जवाब आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।